मैं 65 इयर्स की हूँ, मेरे 6 ग्रैंड चिल्ड्रेन हैं और मैं फेमिना ग्रुप वालों की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है इसमें पार्ट लेने का। मेरी असल में ना मेरी बेटी ने फर्स्ट सीजन में पार्ट लिया था, तनवीर कौर ने, और वो फोर्थ रनर अप थी। तो उसी ने मुझे ये प्रेरणा दी कि मम्मी आप भी ये करो, और मेरे हस्बैंड ने कहा जब तुम बना लेती हो इतना अच्छा खाना तो क्यों नहीं ट्राई करती। तो मैंने उन्होंने कहा और बेटी ने कहा, उनकी वजह से मैं ये आपको एक डिश बना के दिखा रही हूँ। मेरी डिश का नाम है वेज फ्यूजन टिक्की विद हनी चिली डिप। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपनी रेसिपी। ग्राइंडर में मैंने प्याज लिया है और अदरक और लहसुन और चीनी, ये चीज़ों को मैंने ग्राइंडर में पीस लेना है। अब मैं ग्राइंडर में पीसने जा रही हूँ। अब मैंने दूसरे जार में बॉइल्ड फ्रांस बीन, पहले एक बार इसको ग्राइंड करूँगी। इसको जब मैं ग्राइंड करके लेकर आऊँगी उसके बाद मैंने कैरेट, बॉइल्ड कॉर्न्स और मैंने दाल, मसूर की धुली दाल और आलू को लच्छा करके उनको भी साथ में पीस लिया है। अब इसको बाउल में निकालूंगी और इसके साथ अब मैंने जो पहले पीसा था प्याज वो डालूंगी और साथ में ड्राई मसाले हैं हल्दी, जीरा पाउडर, नमक, और इसके साथ ही मैंने इसको बाइंड करने के लिए बेसन डालूंगी। और ये अब ये जा रहा है बेसन, और इसको अब अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इसको अपने हाथों से मिक्स करना है। इसके साथ मिक्स करके देखना, ये ना आपको अगर लगे कि ये थोड़ा गीला है तो थोड़ा बेसन और डाल लेना। अब इसमें आधा नींबू डालूँगी, नींबू का रस, और इसको फिर से दोबारा अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और फिर इसकी गोल गोल टिक्कियाँ बनाएंगे। और साइड बाय साइड हमने चीज़ को ग्रेट करके रखा है, और जो क्राम्स हैं ब्रेड क्राम्स उसमें मैंने ऑरिगेनो मिलाया है। अब मैं टिक्की बनाऊंगी और टिक्की के अंदर मैंने चीज़ स्टफ़ करनी है। जैसे गोल गोल टिक्कियाँ बनाकर आप बीच में छोटा सा होल कर देना, उसके अंदर चीज़ भर लो और चीज़ के साथ इसको बंद कर लेना फिर टिक्की को, और फिर इसको क्राम्स में रोल कर लेना। बहुत ही आसान रेसिपी है, खाने में बहुत मज़ेदार है। आप खा के देखिए और ज़रूर टेस्ट आपको अच्छा लगेगा और आप ज़रूर बनाएंगे। ये देखो आपने अब इसको रोल कर लेना है, टिक्की को रोल करके साइड बाय साइड तेल गरम करने के लिए रख देना है हमने, और साथ में हमने क्रम्स में रोल कर लेना। अब इसको बहुत हल्के हाथों से करना क्योंकि ये बहुत डेलिकेट है। हल्के हाथों से करके इसको थोड़ा सा टैप करना, ये टिक्की की शेप में बन जाएगा। ये शेप आप कोई भी बना सकते हो, हार्ट शेप बना लो, ओवल शेप बना लो, पर मुझे ये ज़्यादा अच्छी लगती है तो मैंने ऐसे बनाई है। लग बहुत सिंपल रही है, आपने कहना है कि ये तो टिक्की है सिंपल, लेकिन ये है बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी। मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन को ये बहुत पसंद आई है क्योंकि इसमें फ्रांस बीन भी है, कॉर्न्स भी है, और मज़ेदार बात ये है कि पता भी नहीं चलता कि आप फ्रांस बीन खा रहे हो। बच्चों को जब मैंने बताया कि मैंने इसमें फ्रांस बीन डाली है, वो तो हैरान ही हो गए कि इसमें फ्रांस बीन भी है। इससे हेल्दी खाना भी जाता है और बच्चे इंजॉय भी करते हैं। देखिए आपने बहुत धीरे से इसको पलटाना है, जल्दबाजी में इसको ना पलटाएं नहीं तो ये टूट जाएगी। हमारी टिक्की अब रेडी है। वेज फ्यूजन टिक्की
साथ में हमने गार्लिक डिप चिली डिप बनाना है। साइड बाय साइड अब हमने हनी चिली डिप तैयार कर लेना है। यह मैंने चिली सॉस, मेयोनेज़ और हनी ली है, इन तीनों को मिक्स कर लेना है और इसमें थोड़े से चिली फ्लेक्स डालने हैं। ये आप अपने अकॉर्डिंग टेस्ट के हिसाब से जितने कम ज़्यादा करनी है मिर्ची उतनी कर सकते हो। अब हमें इसकी प्लेटिंग करेंगे। ये मैंने लिया है विनेगर, शुगर और इसमें मैंने खीरे के छल्ले डाले हैं। ग्रेट किया है मैंने खीरे को पीलर से, तो उसके जो लच्छे होते हैं उसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा जब आप इसमें मिक्स करोगे। ये खाने में बहुत टेस्टी है, खट्टा मीठा टेस्ट आता है इसका। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। नीचे हमने जो खीरा के विनेगर में हमने डिप किया था जो लच्छे बनाए थे वो सेटिंग करेंगे, उसके ऊपर हम अपनी टिक्कियाँ रखेंगे। और इस टिक्की में आप अगर चाहो तो आप पनीर भी ऐड कर सकते हो, कोई भी सब्जी ऐड कर सकते हो, लेकिन फ्रांस बीन और मसूर की दाल ज़रूर डालना, उसी से इसका टेस्ट बढ़ता है और हेल्दी भी बनती है। इसके ऊपर साइड पे हमने ये सॉस रख देनी है और साथ में ऊपर हमने ग्रेटेड चीज़ डालनी है। ये खाने में बहुत यमी है, आप ये इसे ज़रूर लाइक और शेयर करना। चीज़ इसमें आप कोई भी डाल सकते हो, जो भी आपके पास घर में अवेलेबल है। मोज़रेला डालने से ये होगा कि वो जब आप बाइट लोगे तो वो उसमें से निकल आएगी, तो वो अच्छी भी लगती है और बच्चे लाइक भी करते हैं। तो मेरा ख्याल है आपका जो मन चाहे जो चीज़ आप यूज़ कर सकते हो जो अच्छी लगती है आप वो यूज़। हमारी डिश अब रेडी है, लाइक शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।